नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पाइसी किचन फूड में। आज हम मॉर्निंग टाइम में एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं जो कि सभी को पसंद आएगी और इसे आप मिनटों में बना के तैयार करें। तो चलिए अब हम अपना नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चावल चाहिए। चावल को हमने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। इसे हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं। साथ ही इसमें हम दो हरी मिर्च डाल लेंगे और तीन चार लहसुन की कलियां। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। मिक्सर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम पीस लेंगे। इसका हमें थोड़ा सा फाइन पेस्ट बनाना है। मिक्सर में हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसे चावल के पेस्ट में ही डाल लेंगे। चलिए अब हम इसमें अपनी सब्जियां मिला देते हैं। इसके लिए हमें गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, थोड़ा सा हरा धनिया, इसे हम अपने बैटर में मिक्स कर देते हैं। इस बैटर को हमें ना ज़्यादा सूखा बनाना है और ना ही ज़्यादा गीला। चलिए अब हम अपना गैस ऑन कर लेते हैं। गैस पे हम तवा रख देंगे। जब हमारा तवा गर्म हो जाए तब हम इस पे हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। आप रिफाइंड की जगह बटर, घी, इस सब का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस पे अपने हम बैटर डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से भी हम डाल देंगे तेल और इसे पलट देंगे। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, केवल 2 मिनट में ही हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम इस पर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और अपना बैटर डालेंगे। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनके तैयार होता है। 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर इसे पलट देंगे। इसे पलट देते हैं। 1 मिनट के लिए इसे फिर ढक देते हैं। इसे चेक कर लेते हैं। यह हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के बैटर का भी नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा नाश्ता बनके। इस नाश्ते को आप हरी चटनी, दही के साथ और टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी।